हो रही है। और इतना ही नहीं, छाया देते हैं, हवा देते हैं, पानी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, और बाबा कहां तक कहे मर जाने के बाद अपनी लकड़ी भी देते हैं। और हम लोग कभी विचार करना, जीवन भर हम क्या देते हैं समाज को, चाहे कितना सफाई का अभियान चलाया जाए, बोतल पीकर बीच रोज रास्ते पर डालते हैं पानी, अपने घर का कचरा निकाल करके किसी के दरवाजे पर भी डाल आएंगे, बड़े गौरवान्वित होते हैं, और अपान वायु छोड़ते हैं, दुर्गंध छोड़ते हैं, गंदगी के अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। आप जरा कभी विचार कीजिएगा, और मरने के बाद हमारा कुछ काम आने वाला है, अगर पड़ोसी परिवार वाले निकाल के नरक ले जाएं, शमशान भूमि तक, कल्याण भूमि तक, तो पड़ोस में कोई जी नहीं पाएगा। इसलिए वृक्षों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वृक्ष खूब लगाने चाहिए, जहां मौका मिले, जहां स्थान मिले वृक्ष लगाओ। ये वृक्ष भी जीवित हैं, जीवन देते हैं। अरे वेदव्यास जी महाराज को संदेश दे दिया, उपदेश दे दिया, वृक्षों ने कहा कि बाबा आप नाराज मत होना, आपने पुराण में महाभारत में बड़े बड़े उपदेश दिए हैं, त्याग वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें की हैं, किंतु एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसको भी तुम छोड़ नहीं पाए, और हमारी ओर निहारो, मैं हजारों फल पड़ता हूं हर वर्ष, किंतु एक फल भी अपने लिए बचा के नहीं रखता, सब समाज को दे देता हूं। ध्यान रखना, प्रवचन करने वाले की अपेक्षा जीवन जीने वाला श्रेष्ठ होता है। कोई बोलता हो किंतु जीता न हो तो बहुत बड़ा महत्व नहीं है, किंतु बोलने के बाद जीने वाला व्यक्ति और महत्वपूर्ण है। वेदव्यास जी महाराज समझ गए कि हमारा पुत्र नहीं परमात्मा बोल रहा है। सर्वभूत हृदयम, ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से सर्वभूत हृदय ही परमात्मा ही हमारा आत्मज बनकर आ गया। मुनि ही आनतोष्मि, ऐसे मुनि को जो सर्वभूत हृदय है उनको मैं वंदन करता हूं। ये सूत जी महाराज के विरक्त गुरुदेव का वर्णन है। अच्छा, कोई त्यागी वैरागी तो बहुत हो, किंतु हृदय में करुणा न भरी हो वो समाज के उपयोग का नहीं है। सुखदेव जी महाराज की करुणा देखिए, यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सार नेकम। श्रुतियां बड़ी जटिल है, उच्चारण करने में कठिनाई, अर्थ समझने में कठिनाई, किंतु उन श्रुतियों का सार जिसने निकाल कर एक दीप जला दिया, अध्यात्म दीप। और ये दीप जलाया क्यों? आज हम लोग स्कूल क्यों खुलवाते हैं? समाज के कल्याण के लिए, कि अपना बैंक भरने के लिए? आज अध्ययन अध्यापन भी व्यापार बनता चला जा रहा है। मैं तो कई बार बड़ा व्यथित होता हूं, समाज में व्यापार की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि सब कुछ बिकने लगा। आज विद्या बिकती है, चरित्र बिकते हैं, स्वभाव बिकता है, कोई खरीदने वाला चाहिए। पहले विद्या बिकती नहीं थी,
गुरुजन पढ़ाते थे करुणा करके। सुखदेव जी महाराज ने अध्यात्म का ये दीप जो जलाया है पैसा कमाने के लिए नहीं, प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं, करुणया हृदय में करुणा जगी। उनको लगा कि इस दीप के अंधेरे में लोग अंधकार में जीवन व्यतीत करके दुखी तो होते रहेंगे, लोगों ने दीप जलाए तो बहुत है, किंतु सबके दीप जलाने का अपना अपना निजी स्वार्थ है। मैं एक ऐसा दीप जलाने वाला हूं, एक ऐसा प्रकाश फैलाने वाला हूं जिसमें निजी स्वार्थ न हो, निजी कामना न हो, निजी इच्छा न हो। तो बाबा फिर बिना कामना के कार्य करोगे क्यों? कार्य के पीछे कुछ कामना तो होनी चाहिए, स्वदेश क्रिया होती है। ये अध्यात्म का दीप जलाने के लिए आप बैठे हो, इसके पीछे हेतु क्या है? बोले करुणया, हृदय में करुणा थी, हृदय में कृपा थी। रोते हुए लोगों को देखकर जिसका दिल पिघलता नहीं है, सच कहूं वह दिल नहीं पत्थर है। पत्थरों को क्या फर्क पड़ता है? कौन आंसू बहा रहा है, कौन खून बहा रहा है, कौन पसीना बहा रहा है, ये पत्थर दिल वाले क्या समझ सकेंगे? जिस दिल में करुणा है, जिस दिल में कृपा है, जिस दया हृदय में दया का भाव है, वही लोगों की दयनीय दशा देख करके द्रवीभूत होता है। पिघलता कौन है? पत्थर नहीं पिघलते, दिल पिघलते हैं। पत्थर नहीं पसीजते, दिल पसीजता है। सुखदेव जी महाराज के हृदय में करुणा जगी, करुणया। जो गुह्य पुराण था, छुपा हुआ गुप्त था, तो धन किंतु गुप्त खजाने में था, सबको चाबी नहीं थी उसकी खोलने की, सबको इजाजत नहीं थी वहां तक जाने की, किंतु वारे गुरुदेव सुखदेव उस गुप्त पुराण को भी प्रकाश के रूप में परिणित करके प्रत्येक महाराज व्यक्ति को, प्राणी को प्राण प्रदान करने के लिए, जीवन प्रदान करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए जिसने दीप जला दिए, ऐसे श्री वेदव्यास जी महाराज के सोनू सुपुत्र श्री सुख को हम बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार अभिनंदन करते हैं। नर नारायण की आराधना करते हुए, ये नर नारायण, नर और नारायण दोनों हैं, साधक और सिद्ध दोनों एक जगह हैं। आज तपस्वी के रूप में उनको भी वंदन है, देवी सरस्वती वेद व्यास जी को भी वंदन है। जय जय की ध्वनि करके इन्होंने सुनाना प्रारंभ किया कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। आप लोग भले बुरा मान जाना, और बुरा मान जाना तो हमारी तरफ से जलेबी खरीद करके यहां से बढ़िया शुद्ध देसी घी वाली खा लेना, और पैसा ना हो तो हमारे पास से ले जाना, वो भी हम दे देंगे, क्योंकि हमको किसी की नाराजगी से कोई डर बिल्कुल नहीं लगता है। अगर मनुष्य शरीर मिलने के बाद आप भगवान की ओर नहीं बढ़े तो आपसे ज्यादा मूर्ख
आपसे ज्यादा ना समझ, आपसे ज्यादा अविवेकी कोई भी नहीं होगा। क्योंकि बच्चा पैदा करने की सुविधा तो गधे में थी, सुअर भी दर्जनों बच्चे पैदा किया उसने, ये मैथुन का सुख तो कुत्ते भी भोगते हैं, गधे भी भोगते हैं। अरे बाबा, ये चार दिन रहने वाली सामग्री को इकट्ठा करने के लिए आपने इतनी कीमती जिंदगी दांव में लगा दी। मैं तो कई बार एकांत में रो पड़ता हूं, ये बहुमूल्य जीवन जो भगवत कृपा से मिला था, अगर अब निकल गया तो पता नहीं कब मिलेगा। हमारे एक संत कहते थे कि 84 कोस की एक गुफा थी और उस गुफा से निकलने का एक दरवाजा, लोग तीव्र गति से चलकर दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, कुछ अंधे भी थे। अंधे बार बार यात्रियों से कहते थे, भैया मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। किसी के पास अवकाश नहीं था, किसी के पास समय नहीं था कि वो अंधों का सहयोग करता। एक संत को करुणा लगी, उनको लगा कि अपने साथ इनको लेकर के तो नहीं चल सकते, किंतु उस गुफा से निकलने का रास्ता तो बता सकते हैं। करुणा करके उन अंधों का हाथ पकड़ा और हाथ ले जाकर दीवाल में रख करके कहा, भैया इस दीवाल को पकड़े पकड़े चलना, जहां रिक्त स्थान मिले उस रिक्त स्थान से बाहर निकल जाना, इस गुफा से बाहर निकल जाओगे। अंधों ने भी यात्रा प्रारंभ कर दी, दीवाल का सहारा लेकर के चल रहे थे, किंतु जिस समय दरवाजा आने वाला था उसी समय अंधे को खुजली लग गई। हाथ उठा करके पीठ खुजलाने लगा, हाथ खुजलाने लगा और चल पड़ा, तब तक वह दरवाजा निकल गया और उसके बाद दीवाल में हाथ रखी, यात्रा प्रारंभ की दीवाल में हाथ रख करके। अब आप लोग जरा बताओ, उसको फिर 84 का चक्कर काटना पड़ेगा कि नहीं? इन भाई माताओं को कहो कि वहीं आए और वहीं बैठते जाओ, हमारे व्यवस्थापक लोग जहां जैसे आए उनको वहीं बैठा दिया करो, मध्य में कथा में बिल्कुल ना आए, आप तो ग्रस लो। मैं तो कथा में पैसा रुपया चढ़ाने के लिए भी मना करता हूं, आप लोग पैसा रुपया बिल्कुल मत चढ़ाओ, प्रेम से कथा सुनो। अगर आप किसी को एक भी बात लग गई और आप भगवान की ओर बढ़ गए तो हमारा कथा कहना सार्थक हो गया। मैंने अपना घर आश्रम चलाने के लिए नहीं छोड़ा है, ना अपना घर नाम कमाने के लिए छोड़ा है, मेरा एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। और मैं चाहता हूं कि हमारे रास्ते पर लोग चलें, क्योंकि जीवन का लक्ष्य नारायण यही है। ये सब कागज के टुकड़े तुम्हें यहीं छोड़कर जाने वाले हैं और तुम्हें रोते बिलखते जाने वाले हैं, इसलिए समझो इस बात को। मैं निवेदन कर रहा था कि उस अंधे को 84 लाख की योनियों का चक्कर काटना पड़ेगा, ऐसे ये मनुष्य जीवन रूपी दरवाजा, ये चांस है। यदि विषयों की खुलजली में, पैसा रुपया इकट्ठा करने में आपका जीवन ये निकल गया तो फिर पता नहीं कब ये चांस मिलेगा। और हमारे एक संत थे महर्षि भजनानंद जी महाराज, यहां आते थे। भजनानंद जी और सुखदेवानंद जी महाराज दोनों वैश्य परिवार के बालक, मैं उनके गांव गया हूं। दोनों की हलवाई की दुकान थी, एक की दुकान इस तरफ, एक की दुकान इस तरफ। मई जून का महीना था,
एक किसान अपनी बैलगाड़ी पर अनाज के बोरे लाद करके निकल रहा था। रास्ता टूटा था, गड्ढे में बैलगाड़ी का पहिया फंस गया, चक्का फंस गया। किसान उतर करके बैलों की खूब पिटाई की। गर्मी का समय, बेचारे बैलों की आंखों से आंसू निकले, लंबी लंबी जीव निकाले, तब भी बैलगाड़ी निकाल नहीं पा रहे थे। ये दोनों महापुरुष पूज्य भजनानंद जी महाराज, सुखदेवानंद जी महाराज, दोनों निकले। किसान को डांट करके कहा कि तुमको दया नहीं आती, कसाई हो क्या? उस किसान ने हंस करके कहा कि आप अपना काम कीजिए, बैल मेरे नहीं, खुद दूसरे के मांग के लाया हूं। तब तक एक संत ने आकर के कहा कि भजन बिना तुम बैल बिराने हुई हो, अगर भजन नहीं किया तो दूसरों के बैल बनोगे। हम कभी तांगों पर ऐसी जगह बैल घोड़ों को मरा देखता हूं तो दया लगाती है, और बार बार अपने को कहता हूं कि भजन नहीं करोगे तो तांगे के घोड़े बनोगे। दिन भर पिटाई होगी तुम्हारी, और तुम्हारी चीख भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये 4 दिन का जीवन है भैया, पता नहीं कब सांस रुक जाए, इसलिए सावधान हो जाओ। आज से, अभी से परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। देखो भाई, परमात्मा 2 से ही मिलता है, प्रयत्न से और कृपा से। तो कृपा करना तो कृपा करने वाले के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में प्रयत्न है। वो तो कृपा करेंगे, उनकी मौज है, कब कहां किस पर कृपा करें, हमारे हाथ में प्रयत्न है। हम प्रयत्न करें। आप कुछ साधन रोज अपने जीवन में रख सकते हो, ध्यान, जप, सत्संग, ये साधन है। दैनिक ध्यान होना चाहिए, दैनिक भगवान नाम का जप होना चाहिए। ध्यान जप हमारे जीवन के प्राण है। जब मौका मिले, जहां मौका मिले, जैसे मौका मिले, आप दोनों को दी सकते हो। हमारे संत चरण बैठे बैठे ध्यान में डूब जाते हैं, मेले में भी लीला में डूब जाते हैं। हमारे यहां संतों के यहां ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक संत प्रातःकाल बैठे थे ऐसे मस्ती से, और एकदम खूब खिलखिलाकर हंसने लगे। सामने वाले को लगा कि मुझे देख करके हंस रहे हैं। बाद में उस संत से पूछा गया कि तुम हंस क्यों रहे थे? उन्होंने कहा, बात यह है कि श्री किशोरी जी पुष्प चयन करने के लिए आई थी, किंतु जिस लता से पुष्प चयन करना चाहती थी वो लता किसी वृक्ष की डाली पर चढ़ी थी, उसमें दिव्य दिव्य पुष्प खिले थे, किशोरी जी वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। हमारे श्री श्याम सुंदर को करुणा जगी, वो डाली पर चढ़ गए और डाली नीचे झुकी, किशोरी जी भी हाथ से डाली पकड़ करके पुष्पों का चयन कर रही थी। तब तक श्री कृष्ण उस डाली से कूद गए और डाली ऊपर उठ गई, श्री किशोरी जी भी उस डाली में लटक गई। अब इस लीला का जो ध्यान चल रहा था, उस ध्यान में इतने महाराज इनको आनंद आया, श्याम सुंदर भी ताली बजाकर हंस रहे थे, संत भी हंसने लगे। ये लीला का ध्यान करें, लीला चित्त को लीन कर देती है। ये लीला मैं अभी इसलिए आपको नहीं सुना रहा हूं कि इससे पुण्य मिलेगा, भगवान की लीला हम इसलिए सुना रहे हैं कि आप दुकान में गाड़ी में बैठे बैठे इन लीलाओं को लीन हो, उस लीलाओं में आप भी नित नई लीला का चिंतन करें। कभी माखन चोरी लीला का चिंतन करें, कभी रास लीला का चिंतन करें, कभी मृदभक्षण लीला का चिंतन करें, ठाकुर जी कैसे मां के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, इन लीलाओं का ध्यान करें।
ध्यान, जप, सत्संग, ये तीन की त्रिवेणी आपके जीवन में रहनी चाहिए। ये त्रिवेणी है, त्रिवेणी यही आपको निश्चित रूप से सागर तक ले जाएंगी। वैसे निवेदन करूं, गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों धाराएं निकलती अलग से हैं, किंतु प्रयाग में तीनों मिल जाती है। और तीनों मिलने के बाद धारा कौन सी धारा रह जाती है, बोलो भाई? प्रयाग में तीन नदियां मिलने के बाद एक धारा सागर तक कौन जाती है? गंगा जी जाती है। सत्यनारायण जी कभी इलाहाबाद गए कि नहीं गए? गए हो? हम सोचे भूल गए, कम से कम आज तो बहुत बढ़िया काम किया, हमारे सामने बैठ गए। हम तो सोचते थे चेयरमैन हो, तो आज पता चला कि चेयरमैन नहीं हो, ऐसे भी बैठ सकते। अगर बिना कुर्सी के बैठ सकते हो तो बिना कुर्सी के सत्संग में बैठना चाहिए। अगर बैठने में कोई तकलीफ है, कमर दर्द है या कुछ है, तो भले कुर्सी में बैठ करके सुना जाए, किंतु यदि बैठने का सामर्थ्य है तो जो आनंद हमारी भारतीय परंपरा में, वो आनंद कहाँ से दूसरी जगह मिलेगा? तो यदि सामर्थ्य हो तो नीचे बैठकर, सन्मुख बैठकर उसका रस लेना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था गंगा जाती है वहां तक। तीन धारा हमारे जीवन में है, कर्म की, ज्ञान की और भक्ति की। ध्यान दीजिएगा, कर्म और ज्ञान ये दोनों प्रयाग में लीन हो करके भक्ति की ही धारा ही भगवान तक ले जाती है। राम भक्ति जहां सुरशरी धारा, गंगा की धारा राम भक्त की धारा है। हमारा ज्ञान प्रेम में लीन हो जाए, हमारा कर्म प्रेम में लीन हो जाए। कर्म कर्म के लिए नहीं है, कर्म प्रेम के लिए है। ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं है, ज्ञान प्रेम के लिए है। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भजन दृढ़ाई। क्रम है जीवन का। तो हमारे श्री सूत जी महाराज ने बड़ी करुणा की, कृपा की, जीवन के श्रेय की ओर बढ़ाया, तत्व प्राप्ति की चर्चा की, संपूर्ण शास्त्रों का सार परमात्मा को ही बताया। भगवान के अवतार तो कई हैं, 24 अवतारों की चर्चा की, किंतु बाद में एक बात भी और कह दी, अवतार यसंख्या, अवतारों की कोई संख्या नहीं। जितने संसार में भक्त होंगे उतने ही भगवान के अवतार होंगे। अवतार माने क्या? अरे बाबा, सीधा साधा अर्थ है उतरना। जो ऊपर हो करुणा करके अपने प्रेमी के लिए नीचे उतर कर आ जाए, उतरने का नाम अवतार है। जो हमारे धरातल पर आ जाए, सच कहें परमात्मा कितनी करुणा करता है, हमारे धरातल पर आकर मुझे उठाता है, मुझे गले लगाता है। हे नाथ, आपसे विनती है, हे नाथ आपसे विनती है, अब चलने की क्षमता नाथ नहीं, आकर हृदय से लगा लो प्रीतम, अब पाने की कुछ आस नहीं। आस निरास भई इस जीवन की, अब जीने की भी आस नहीं, प्यास लगी है प्री प्रीतम तेरी, अब तो आकर के अपना लो। परमात्मा का अवतार यही है कि उतर कर करुणा के लिए आ जाए। और प्रत्येक अवतार अलग अलग रूप में, अलग अलग उद्देश्य से होता है। जैसे वेदव्यास जी का अवतार, कृष्ण द्वैपायन का अवतार,
वेदों के विस्तार के लिए हुआ। वेदों के विस्तार की आवश्यकता क्या पड़ी? क्योंकि सामान्य लोग वेदों की भाषा नहीं समझ पा रहे थे, तो एक वेद चार रूपों में परिणत किया गया, ऋग, यजु, अथर्व और साम। लोगों ने उसको भी नहीं समझा, तो वेद के दर्शन को समझाने के लिए उन्होंने एक दिव्य ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम है महाभारत। किंतु क्या कहा जाए, किस माया के चक्कर में, किस भ्रम के कारण लोगों में ऐसी भ्रांति फैल गई कि महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत हो जाएगा, महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत हो जाएगा। ये भ्रम है। दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो महाभारत में न हो। दुनिया का प्रत्येक ज्ञान महाभारत में है। हमने गुरुजनों से सुना है, यदि हास तदन्यस्त, जो महाभारत में है वही दुनिया में है, और जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में है ही नहीं। तो महाभारत भी लोगों ने सुना नहीं। बहुत रसीला है महाभारत। अगर संयोग बनता है कमल जी, तो अभी कोई विषय निश्चित तो नहीं किया ना गौशाला के लिए, तो महाभारत सुनाया आपको, अद्भुत है महाभारत। इतना रसीला है, धर्म से परिपूर्ण है। मैं कुछ वर्षों से महाभारत के स्वाध्याय में लगा हूं। मुझे जब अवकाश मिलता है मैं महाभारत का अध्ययन करता हूं। उस महाभारत को पढ़ करके शांति पर्व तो क्या कहना है, एक एक अध्याय रसीला है। जब महाभारत भी लोगों ने नहीं पढ़ा, तो कृष्ण द्वैपायन ने 17 पुराण लिखे, और एक एक पुराण में 84,000 श्लोक भी है, 84,000 श्लोकों वाला भी पुराण है। इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी लोग सुखी नहीं बने थे दिखे,